बॉलीवुड महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन। जी हाँ, बॉलीवुड के शहंशाह कहें, मेगा स्टार कहें या सदी के महानायक कहें, कुछ भी हम इन्हें कहें, तो ये सब नाम जो हैं फीके नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने अभिनय से, अपने किरदार से, अपने अभिनय की अदायगी से लोगों को दीवाना बना दिया। राजेश खन्ना साहब के स्टारडम को अगर किसी ने संभाला तो वो बॉलीवुड के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने। खैर, हम आपको बता दें कि बहुत संघर्षों के बाद इन्हें एक मूवी मिली थी जो कि साथ हिंदुस्तानी थी। उसमें एक किरदार इन्होंने किया और उस किरदार के चलते इन्हें बहुत सारी फिल्में तो नहीं मिली, लेकिन जिसने भी उस मूवी को देखा इन्हें रोल देना चाहा। उसके बाद इन्हें एक मूवी मिली आनंद, वो भी एक ऐसी मूवी थी जिसमें स्टार तो थे राजेश खन्ना, लेकिन पॉपुलैरिटी इन्हें भी मिली क्योंकि इनका अभिनय जो था ज़बरदस्त था। खैर, इतने संघर्षों के बाद एक मूवी इन्हें मिलती है जो कि सुपर डुपर हिट होती है, और उस मूवी के दौरान एक ऐसे शख्स होते हैं जो स्टार थे उस समय, उन्होंने इन्हें कहा अमिताभ बच्चन जी को कि एक दिन ये ग्रेटेस्ट स्टार होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार विलेन यानी कि प्राण साहब की। प्राण साहब ने इन्हें जंजीर मूवी के अंदर, जो कि बहुत संघर्षों के बाद इन्हें मिली, उस मूवी के अंदर इन्हें कह दिया था कि एक दिन देखिएगा ये जो स्टार है इसने जन्म ले लिया है और एक दिन ये ग्रेटेस्ट सुपरस्टार बनेगा। और उनके इस बात को बाद में अमिताभ बच्चन जी ने सच कर दिखाया, क्योंकि राजेश खन्ना के बाद अगर किसी ने उनके स्टारडम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया तो केवल अमिताभ बच्चन जी थे। इन्होंने काला पत्थर, लावारिस, मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, एक से बढ़कर एक, और शोले को कौन भूल सकता, ऐसी सुपर डुपर हिट मूवी इन्होंने की। और उसके बाद राजेश खन्ना के स्टारडम को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो इनका करियर ऐसा नहीं था कि संघर्षों से भरा नहीं था, क्योंकि जंजीर मूवी नहीं मिली थी उसके पहले प्राण साहब को तलाश थी एक ऐसे नौजवान की जो कि इस किरदार में फिट बैठे। तो जंजीर के लिए जब अमिताभ बच्चन वापस लौटे चले आ रहे थे तो प्रकाश मेहरा इन्हें स्टेशन पर मिलते हैं और इन्हें एक मूवी कहते हैं कि एक लास्ट मूवी आप मेरे साथ कर लीजिए, और उस मूवी को बिग बी यानी कि स्टार अमिताभ बच्चन करते हैं और इनका करियर बदल जाता है। तो ये थी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की कहानी। प्राण साहब ने इन्हें बताया कि आप एक सुपरस्टार हैं, उसके चलते ही ये एक स्टार बने। तो ऐसी कहानियों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो थैंक यू।